ध्वजा पताका। ए ध्वजा पताका ले चला जी गयो है भवन पे भैया। ध्वजा पताका लेके अपने भवन को चल रहा बुर्ज की लेती नौका पे कोई तीनी ध्वजा टंगाई दी। लेके चल दो और अपने किले के ऊपर ध्वजा फहरा दी और बाणासुर अब सोचवे लगो हे भगवान अब कब वो समय आ जाए सो ये ध्वजा पताका टूट के गिर पड़े तो मेरे कहीं वीर पैदा हो जाए। एक और बात बता दे जब तक कऊ इंसान के पहले जन्म के पुण्य खत्म नहीं होते तो जा जन्म में कितने बुरे काम कर ले बाको अंत ना हो और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं पाप की मात्रा बढ़ जाती है तो स्वयं ही उसका अंत नजदीक आ जाता है। धीरे धीरे बाणासुर का पाप का घड़ा भरने लगा। कैसे बाणासुर का भर गया ये जी पाप घड़ा का कूप। वो तो पीछे गए यहां मुझे आलस दे रहा है। रानी ने जाई सुता सुनर यज वो अनूप। धीरे धीरे बाणासुर का पाप का घड़ा भरने लगा। पहले जन्म के पुण्य खत्म होने लगे जा जन्म का पाप का पल्लड़ भारी हो गया और हमारे इतिहास बता रहे हैं कि जा कऊ के घर में और पीछे जा कऊ के घर में सुंदर कन्या का अवतार हो तो समझ लो कि हमारे पुराने पाप उदय हो गए। आज बाणासुर के यहां सुंदर कन्या का जन्म होता है। चंद्रबल है आकाश शिक्षा पाने भेज दई सुशिव शंकर के पास। अब तो वो जो बाणासुर की रानी ने जो कन्या है जन्म दिया वह कन्या का नाम ऊषा रखा गया। अब वो जो बाणासुर की कन्या जो ऊषा थी वो दिन दिन बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा आसमान में बढ़ता है। भैया एक दिन बाणासुर ने जवाब दो बिटिया ऊषा कि हां पिताजी तुम्हें ये मालूम है हमारे कुल गुरु कौन है। बोले पिताजी मुझे मालूम नहीं सुनो हमारे कुल गुरु भगवान शंकर है। भगवान शंकर हाँ और बिटिया अब चल तुझे मैं भगवान शंकर के पास और छोड़ के आऊंगा वहां तू शिक्षा ग्रहण करना। आज बाणासुर ऊषा को लेकर चल दिए भगवान शंकर के पास और रास्ता में बाणासुर समझाने लगा बिटिया वो भूतनाथ है जंगल में रहता है वो किसी लड़की को शिक्षा नहीं देता वो तुमसे मने करें तो तुम चरणों में गिर जाना कि बाबा मैं जाऊंगी नहीं। ऊषा कह लगी पिताजी चिंता ना करो मुझे लेके तो चलो और मैं सब कुछ देख लूंगी। आज वो ऊषा भगवान शंकर के पास पहुंची है और क्या बोली भैया जान सुनो त्रिपुरारी मैं कन्या कुमारी
गुरुदेव, मेरे पे और तो कुछ नहीं, आपकी सेवा में एक फूल लेके आई हूँ। और मैंने सुना है तुम स्वामी जगत पिता हो, विष को बचाने के लिए तुमने विष को ग्रहण किया था। भगवान शंकर ने जवाब दो, बिटिया ये बता तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी, आपको गुरुदेव बनाना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले, बिटिया ये जंगल है और बात ये है मैं किसी बिटिया को शिक्षा नहीं देता, और फिर जंगल में तू कहाँ रहेगी? क्या बोली? मैं हाँ वही तो कह रहा है, ये एक बीच में हम आज के जमाने का हाल सुना रहे, तुम्हें कथा पे ध्यान देना, जहां हमने कथा छोड़ी वहां आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के जमाने की बात सुनो कि जमाना अब कैसा है। मान लीजिए एक हम आओ के सावन के महीना की बात बता रहे, एक गांव में हम प्रोग्राम करवे के ले गए, वो भागवत का प्रोग्राम था, तो हमने प्रोग्राम रात में प्रोग्राम किया, जो भागवत वाले जिस गांव में गए उस गांव ने हमसे कहा कि वो कीरत सिंह आप आज और रुक जाओ, पहली बार गए जैसे तुम्हारे इलाके में हम आए हैं पहली बार, ऐसे ही उसमें गए तो बोले आज आज और रुक लो तुम। हमने कहा रुक जाएंगे, पूरी रात का प्रोग्राम रखा, हमने बताया उन्हें कि रुक तो रहे लेकिन भैया एक काम कर लो, कहूं एक काम तुम हमें लिटा दो जहां चहल पहल ना हो। तो उन्होंने कही कीरत सिंह कमरा में लिटा दे, हमने कही नहीं, कमरा में तो देखने वाले लोग बाग आएंगे हो, और वो दो जाएंगे चार आएंगे, चार गए आठ आएंगे, और पूरे दिन हमें सोने नहीं देंगे। तो उन्होंने कही गांव से बाहर एक बगिया है उसमें लिटा दें। मैंने कहा बहुत अच्छे, वो खटिया लेके गए हमारे साजबाज वाले, हम वह बगिया में लेट रहे, तो हमने देखो कि चार सखी झूला झूलने के लिए उस बगिया में आ गई। नींद आ गई, हमें नींद नहीं आई, तो हमने देखा ये बताओ हम गांव में छोड़ के यहां आए, और ये तो यहूं आ पता आ गई, ये कुछ न कुछ गाना करेंगे और गाने में हमें नींद आएगी नहीं। हमने कहा अब क्या कहें, तो वे झूला डाल रही डाली पे, और झूला डाल के तैयार हो गई, और झूला पे बैठते बैठते मैं उनने कहानी अपनी शुरू करी, क्यों रही बहना क्या हो तुम कब आए गई? उन्होंने कही ना हमें तो एक महीना है वो, तो दूसरी ने पूछा जो बताओ तुम कब आई? उन्होंने कही हमें तो वहना वही आठ दिना भाई। तो तीसरी ये पूछी कहो तुम कब आई? उन्होंने कही हम तो वहना परसों आए। बातला उनमें ऐसे होने लगी, तो उनने कही कि बहना तुम जो एक महीना पहले से आ गई तो ये बता दो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे भाभी भैया कैसे हैं?
वे बोले हमारे तो दो बढ़िया हम सही भाभी अच्छी सही भैया अच्छा जो तो हमें जब एक महीना पहले बुलाए लो जो आठ दिना पहले आई उन्हें पूछा तुम आठ दिना पहले क्यों आई कहने लगी बहना हमें आठ दिना पहले बुलाए हुए भैया का उसको जब तो हम आए बोले तो जाकर मतलब तुम्हारे भैया कैसे सो बताओ कहने लगी हमारे भैया तो बहुत अच्छे हैं पर हमारी बौजी खराब है। तीसरी बोली मुझे बताया दो तुम परसों क्यों आई दो दिना पहले महीना भर पहले आना चाहिए तो सावन का महीना तो पूरा होता है इन्हें कहिए ना हाँ का अपने आप आ जाते का कोई ले भी जागो तो ही तो आएंगे बोले तो तुम दो ही दिन पहले क्यों आई तो जागो मतलब तुम्हारा भाई और भौजी तुम्हारी कैसी है इन्हें कही है ना दो बेकार है। अब वे एक बोली अरे जे बात छोड़ो ये बता दो अपने अपने सासुरे को हाल सुनाओ को तुम्हारी सासुरो कैसा है सो अब सासुरे के नाम से भी महीना वाई पहले जो आए गई थे बोली बेना हमारे सासुरो तो ठीक है पर हमारी सास बहुत तो खराब है वो ना हम टिकन ना दे दे आठ दिन पहले आए 300 कही कहो तुम्हारे कैसे वाले कही हमारे सास अच्छी है लेकिन हमारे ससुर साल खराब है डंडा लेके आ जाने निकल जाए घर में और तीन दिन पहले आए तीन से पूछे कहो तुम्हारे कैसे हमने कही हमारी सास ससुर सब बढ़िया है तो चलते भैया भाभी खराब है तो त्यो ससुराल अच्छी है ठीक है। अब एक बोली के जो बता दो ये सास ससुर और इनसे तुम्हें कहा लेना अपने अपने बिन की बताओ तुम्हारे कैसे तो शांत बस हंसना उतना ही शांति बना लोगे तुम तो जब तक तुम बैठने लगी हो ये ना छोड़ो सास ससुर अपने अपने बिन की बात हो रहा है तुम्हारे कैसे सुबह एक महीना लाइए पूछ रहा हो कहो तुम्हारे कैसे है वे कहने लगी हमारे तो ऐसे बेना से चिमटा बजाए वे चले जाए तो एक एक महीना ना आवा तीसरी पूछ जो आठ दिना में आई उनसे पूछ कहो तुम्हारे कैसे हैं तो वे बोली हाँ तो रहना बढ़ जाए कहूं अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो कहूं प्रसाद मिल गो तो प्रसाद लेके जेब में डायरेक्ट हवाई ले आ जाते तो वे कहने लगी तुम्हारे तो अच्छी तीसरी ये पूछी कहो तुम्हारे कैसे हैं तो वे बोली हमारे तो ऐसे हैं बहना सीधे खूब है और जब गुस्सा आ जाते तो पिटाई खूब करते। अब चौथी बिचारी नीचे नारे झुकाए बैठी पटली पे उन्हें कही क्यों तुम एक ही बात को जवाब ना दे रहे तुम तो बताओ कही बोले तुम बताना पड़ेगा तो बताओ तुम्हें हमारी कसमें बताओ बोले अब सखिया बोले कि तुम्हें अपने भैया की कसमें तो बताना देंगे तुम्हारे कैसे हैं सभी कहने लगी यहाँ भैया के साथ दुआ देता बता रहे सभी बोली हाँ ना तो हमें खिजा होगी बोले नहीं हम कल खिजाएंगे तुम बताओ तो सही तो कहने लगी हाँ तो पागल है पागल हाँ कैसे अब एक इशारों करने लगी ए, हमने तब तक अपने हाथ पैर पीट व शुरू कर दो खटिया और तौलिया से हम मोड़े ढके सो रहे वे एक कहने लगी बेना देख तुम मालूम है जिसको सो रहा हो जो कीरत सिंह सो रहा है जो कैसेट में गाता है और बेना ऐसो भागो है रसिया बसिया सो बनाए ले हो अरे भाई कान है पूरी रात को जगह वहां सोए रहो हमने कही बेटा तुम बतला दी रहो तुम्हारा रिकॉर्ड तो हमने चढ़ाए दो तभी बताए रही कि सुनो हवाए कैसे हैं बहना एक कर मन में ढोला कर मन में ढोला ए
लगी बिल्कुल बावड़ हो का ना बेना नहीं समझ लो मुंह पे कहीं ना जा रही तो कैसे सुन लो कह रही सासुर ने ढोला सासुर ने ढोला मम्मी ने ढोला पर वे तू खाना पड़वे के लिए भेज दो सुबह ना पड़वे तो चलो बो लेकिन गांव से बाहर एक पोखर थी पोखर तालाब सूखो पड़ो सुबह गहरो वैसे हाथों सुबह तालाब में घुस गए और बैठे बैठे बहना मट्टी खाए रहो और बहना गानों का खाए रहा पोखर में बैठा पोखर में बैठा पोखर में बैठा पोखर में बैठो डियो डियो तीन सखी हसन लगी तवाई तो बहना फिर सूख गई है कह रहे सुन ले एक दिन सासुर ने ढोला पापा ने ढोला पापा ने ढोला पापा ने ढोला भैसन में भरा एक ससुर ने भैंसे में भरा दो तू पड़वे ना जा तो एक काम कर तू चल भैंस चला ससुर ने ढोला ससुर ने ढोला भैंसन में खाना सुबेना भैंसन में गयो और मोते जी कहो कहे मेले रोटी वहीं ले आइयो तो हम ड्रके फिर खानो लेके गए सुबेना टीले पे बैठो ऊन रहो क्या कह रहा टीले पे बैठो टीले पे बैठो टीले पे बैठो टीले पे बैठो हियो हियो करे रहे नहीं नहीं बताओ पूरी बात बताओ उसकी सुन लो बहना एक दिन दिनों में आएगो एक दिन बहना एक दिन बहना के एक दिन बहना कटिया दोपहरी में आए थे और खटिया पे बैठे गो वो हमसे बोला है इतना हमने कही कहा है पानी लाओ हम पानी लेके पहुंच गए कहने लगा पानी रहते नीचे बोले हमने कहे कहा है बैठ जा खाट
हम खाट पर जबर ही बैठा नहीं, हम खाट पर बैठे और हमसे बोलो पकड़ ले मे कान। हाँ भाई हाँ हाँ पकड़ रहे कान वान का उतना पकड़े बोले हम कहा पकड़ रही हो कान के नहीं। हम सोचे बहना जी पिटाई से उतरते हो तो हमने उनके कान पकड़ ले। अब बिन्ने बिन्ने लम्बे हाथ खड़े के हवाए कान पकड़ ले। अब कान पकड़ के बिन्ने हमारे हवन ने उनके पकड़ ले। अब क्या कर रहा खटिया में बैठो, खटिया में बैठो, खटिया में बैठो।